केंद्र सरकार द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई। लगभग 5800 करोड़ रुपए खर्च कर इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश के धार्मिक स्थलों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट का विकास किया गया। आपको बता दें कि भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन 5 मार्च को चेन्नई से रवाना हुई, जिसमें करीब 400 पर्यटक सवार होकर बक्सर पहुंचे। वही ट्रेन के बक्सर पहुंचते ही सभी पर्यटकों को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और दानापुर रेल मंडल DRM द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सभी पर्यटकों को किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही साथ पर्यटकों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। पर्यटकों के ढोल नगाड़ों से हुए स्वागत के बाद वो काफी खुश दिखे। आप लोगों को खास देखने को मिला? खास तो मंदिर का ही सब देखा, अभी तक खास कुछ नहीं। गंगा नदी को देखा, बहुत अच्छा लगा। जो रेलवे स्टेशन में हम उतरे, बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत खुश हो गए। और भी साफ सफाई, और भी थोड़ा सब डेवलप होना चाहिए। और भी साफ सफाई जरूरी है, वो सब जरूर होना चाहिए। और कुछ यहाँ के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार के लिए तो जो गरीब है उनके लिए, सबके लिए ये करना चाहिए। जो मंदिर में पानी का पीने का सब अरेंज करना चाहिए, ये सब होना जरूरी है। ये कमी है, थोड़ा ये। क्या पर्चे आपके है? पर्चे आपका? आप मेरा कलेक्टर है, मिसेस जगदीशन कलेक्टर है। हम पूरा तमिलनाडु से आया है, अरब भाषा वाला आया, सब स्टेट का आया, साउथ का। हमारा शहर है पांडिचेरी। नाम क्या है आपका? कलेक्टर। पर्यटक वामन भगवान, नौलखा मंदिर, रामेश्वर नाथ मंदिर, वेदशीरा ऋषि आश्रम और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन कर बक्सर से आगे की ओर निकलेंगे। वह इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस योजना को देश के लिए लाभकारी योजना बताते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की। कि मैं बक्सर का जनसेवक हूं और जो जो प्रस्ताव मैंने पार्लियामेंट में 2014-15 में रखा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पर मोहर लगा दी गई। रामायण सर्किट के बारे में कहा था, रामायण सर्किट देश भर में बन गए और बिहार के बक्सर और सीतामढ़ी जनकपुर धाम में ये यात्रा रामायण एक्सप्रेस दक्षिण से चल करके वहाँ जाएगी। वही दानापुर रेल मंडल DRM ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर और भी कई तरह की सुविधाएं शुरू करने की बात कही। हमारा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है मेन लाइन का, और इसमें और भी बेहतर यात्री सुविधा देने का प्रयास रेल प्रशासन की तरफ रहेगी। जैसे जैसे हमें फंड मिलता जाएगा, हम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने को। जो भी हमारे वेटिंग रूम का एक्सटेंशन होगा, PRS बुकिंग की सहूलियत होगी, लोगों को वेटिंग रूम में बेहतर सुविधा मिले, यात्री शेड बेहतर हो, शौचालय ठीक रहेंगे, इस तरह के जो भी बुनियादी सुविधा जो यात्रियों को। आज बक्सर में रामायण एक्सप्रेस का आगमन हुआ, उसी को लेकर के यहाँ पे करीब 450 यात्री यहाँ पे पर्यटन के लिए बक्सर पहुँचे हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पे बक्सर में बसाव मठिया में यहाँ पे अन्य कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पे पर्यटकों के लिए यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के महंत कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है और किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है। जी, जय श्री राम। स्वामी जी बसाव मठिया के तरफ से, स्वामी जी के तरफ से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको तमाम यहाँ हम लोग प्रसाद ग्रहण का व्यवस्था बनाए हैं, और तमाम तरह तरह के दही बड़ा पकौड़ा इत्यादि की व्यवस्था है। और हम लोग आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि यह सिद्धाश्रम नगरी जो है अयोध्या की तरह पर, यह विश्वामित्र जी का इतना योगदान रहा है, राम को रामत्व और प्रचार करने के लिए यहाँ विश्वामित्र जी ने अथक प्रयास किए और उनके रामत्व को स्थापित किए। हम लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि बक्सर जो है एक देश के मानचित्र पर इनका राम नाम रोशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनका स्वागत करने के तत्पर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से रामायण सर्किट एक्सप्रेस यहाँ पे का आगमन हुआ, उसको देखते हुए क्या पर्यटन स्थल का यहाँ पे दर्जा मिल पाएगा? बक्सर से पंजाब केसरी TV, संजय उपाध्याय।